पूरे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज दावते इस्लामी हिंद के द्वारा लोहा गेट छठी गली मस्जिद के सामने हर वर्ष की तरह 75वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के दिवस पर झंडा वंदन कर पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उलेमाओं व बच्चों ने देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे और हमारा देश दिनों दिन तरक्की करता रहे इसके लिए दुआ मांगी। मीडिया से चर्चा करते हुए गुलाम सरवर अत्तारी ने बताया है कि दावते इस्लामी हिंद में जितने भी मदरसे हैं सबने अपने अपने यहाँ पर आज़ादी का जश्न हर साल मनाते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश से जान से ज़्यादा मोहब्बत है। एवं साथ ही में चंदनगर लोहागढ़ छठी गली मस्जिद के सामने पैजानी कंजूल ईमान मस्जिद की दावते इस्लामी हिंद की ओर से यहाँ पर झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी 75वां स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने पहुँचे। हिंदुस्तान हम सबका देश है, हम सबको मिलजुल कर देश की आज़ादी की खुशी मनाना चाहिए। सबको यही दावत देंगे हम सब, नफरत छोड़े और मोहब्बत का पैगाम दे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज़ादी का जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, पूरे भारत में एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, घर घर झंडा तिरंगा लगाया जा रहा है, इस विषय पे आप क्या कह सकते हैं? ये हम दावत इस्लामी हिंद पूरे मतलब इनके जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मतलब इनके मुबल्लिगीन हैं, ये सब अपने अपने तौर पे यौम आज़ादी का जश्न हर साल मनाते हैं। और ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमें अपने हिंदुस्तान से जान से ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि इसी हिंदुस्तान के अंदर सरकार गरीब नवाज जो कि हिंद के बादशाह है, वो इसी सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर है। हमारा मकसद ही यही है कि हर घर पे तिरंगा लगे, क्योंकि ये हमारा कौम का झंडा है, हमारा देश का झंडा है, और हमें चाहिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों लोगों को भी तरकीब दिलाना चाहिए। 15 अगस्त पे आप यहाँ पर झंडा वंदन करते हैं, किस जगह पे करते हैं? ये चंदन नगर में, चंदन नगर लोहा गेट छठी गली मस्जिद के सामने फैजाने कंजुल ईमान मस्जिद, जो कि मस्जिद दावत इस्लामी की है, और यहाँ पर माशाल्लाह महल्ले वाले भी साथ देते हैं और दिगर मतलब हमारे मुबल्लिगीन भी साथ में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी साथ में रहते हैं। हम सब को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि हमारा ये देश हिंदुस्तान देश है, हम सबका देश है, हम सबको मिलजुल कर देश की आज़ादी की खुशी मनाना चाहिए। हम सबको यही दावत देंगे कि आप और हम सब नफरतें छोड़ें और मोहब्बत का पैगाम दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका इसमें शरीफ? मेरा नाम गुलाम सरवर अत्तारी।